आप सबको स्वागत है 14 मई के श्रवदान में। दिव्य बुद्धि हम सबको मिली है जैसे ही हमने 7 डेज का कोर्स किया। कहते हैं बाइबल के अनुसार कि 7 दिन में भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन दुनिया को कब बनाया उसकी कोई डेट नहीं है। वो हम साइंस में फिर चले जाते हैं, बिग बैंग एंड ऑल, लेकिन परमात्मा को हम भूल जाते हैं उस समय। तो परमात्मा कहते हैं कि ये दुनिया का एक चक्र है जो कि चलता ही रहता है, फिर से रिपीट होता रहता है। ये नहीं कि किसी दिन में मैंने बैठ करके स्पेशली दुनिया बनाई। ये दुनिया सदा काल से है। जैसे हम आत्माएं इमोर्टल है, हमारा रोल भी इमोर्टल है, परमात्मा इमोर्टल है, परमात्मा का रोल भी इमोर्टल है, ये दुनिया भी इमोर्टल है। तो परमात्मा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि तुम्हें मैंने 7 दिन के कोर्स के बाद में दी। दैट मीन्स मैंने तुम्हें दिव्यता देनी शुरू करी। अब वो लेनी ना लेनी हमारे ऊपर है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति को के ज्ञाता भव। बेदाग, जैसे ये सफेद पेन है, इसमें कोई दाग लग जाएगा तो सबसे पहले लोगों की नजर कहां जाएगी? इस दाग पे जाएगी। वैसे ही हमारे कर्मों के द्वारा हमारे कैरेक्टर पर अगर दाग लग जाता है, सबसे पहले लोगों की नजर हमारे रंग रूप पे नहीं आती, हमारे धन दौलत पे नहीं आती, पोते बहुत ही गंदा इंसान, इससे दूर रहना, बच के रहना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म लेते ही, जैसे आपने 7 दिन का कोर्स किया, लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है कि अपने आप को आत्मा समझो, औरों के अंदर औरों की बाहरी रूप की खूबसूरती, बाहरी रूप रंग, उन चीजों पर फिदा मत हो। बाहर की दुनिया, कलयुग की दुनिया झूठी दुनिया है, खत्म होने वाली दुनिया है, इस पर अपना लगाव मत लगाओ। लेकिन हमने करा क्या? वो हमारे ऊपर है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, कोई समस्या आई तो आपने चिड़चिड़ापन, आपने क्रोध, अपने अहंकार दिखाना शुरू कर दिया, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। तो एक चीज, कोई समस्या आई और आपने भी क्या किया, आपने भी क्रोध अहंकार ईर्ष्या घृणा नफरत यूज कर ली, तो दाग लग गया। किसी का संग, गलत इंसान के साथ में घूमना फिरना शुरू कर दिया, उसने बोला अरे कहाँ, किसने देखा है भगवान वगवान क्या होता है, अरे कर्मों का गति क्या है, कोई बात नहीं है, अरे इंजॉय करो, एक लाइफ है, एंड बस उनके संग में लग गए, गलत आदत तुम्हें भिड़ गए, ये अपनी मनमत चलानी शुरू कर दी। हाँ ठीक है, मुरली सुन रहे हैं हर दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन इतना मजा नहीं है, अरे बाहर की चीजें खाने में बड़ा मजा आता है, बाहर इंजॉय करो, क्या करा है इस लाइफ में, एक लाइफ है, क्या पता कौन भगवान है कि नहीं है, जिएंगे नहीं जिएंगे, एक जीवन है, एंजॉय कर लो, कमाओ फिराओ घूमो फिरो। परमात्मा कहते हैं उन चीजों में मना ही नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अपने आप को कर्मों की गति के अनुसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा करके भी वो कर्म कर सकते हो ना। घूमो फिरो लेकिन काम करो लोभ मोह अहंकार ना इस्तेमाल करो, खाओ पियो लेकिन काम करो लोभ मोह अहंकार ना इस्तेमाल करो, कर सकते नहीं कर सकते। तो यही परमात्मा कहते हैं कि इनका अगर प्रभाव ना पड़े तो आपके रजिस्टर पे दाग भी लगेगा। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती, कोई सिचुएशन आई, कोई व्यक्ति आया, किसी ने कुछ गलत बातें आपको सिखाई, कोई सिचुएशन आया, उस समय आपकी दिव्य बुद्धि काम नहीं करी, आपने अचानक से क्रोध को इस्तेमाल करे, आपने अचानक से ईर्ष्या घृणा अहंकार दिखा दिया, तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। और जिसको ये पता है कि अहंकार नहीं यूज करना है, दुनिया वाले को तो पता नहीं है, दुनिया वाले बोलते हैं कि हाँ, उनको पता नहीं कि मैं दिखा दूं इसको, इसकी औकात क्या है, इसका इसके जो लेवल है उसको दिखा देता हूं मैं, इसने गलत किया, इसने ऐसे नहीं करना चाहिए था, और वो भिड़ते रहते हैं अपने में। लेकिन हमें, जो हम ब्राह्मण हैं, हमें परमात्मा सिखाते हैं कि कोई भी चीज में अहंकार ईर्ष्या घृणा ना इस्तेमाल करते हुए भी आप उस बात को जो सही है उसको आप रख सकते हैं। या तो आप चिल्लाते हुए बोल सकते हैं, या तो आप किसी को नीचा दिखाते हुए बोल सकते हैं बातें, या तो आप सिंपल प्लेन लैंग्वेज में भी उन बातों को रख सकते हैं। बात ही तो रखनी है ना, क्यों हम घृणा यूज करें, क्यों हम क्रोध यूज करें, क्यों हम अहंकार यूज करें, बात को स्पष्ट करके रखो सामने। बस दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं। आज दुनिया वालों को इस ज्ञान ना होने के कारण उनको लगता है अहंकार यूज करना पड़ेगा, क्रोध के बिना काम कैसे चलेगा, वो लोग मेरी बात नहीं मानते, तो वो कर्म कूटते हैं। मतलब क्या है, क्रोध इस्तेमाल करेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, अहंकार इस्तेमाल करेंगे तो हड्डियां दुखेंगी, लोभ इस्तेमाल करेंगे तो असंतुष्टता होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, आपका डायबिटीज होगा, सर दुखेगा, हार्ट दुखेगा, तो ये सारी चीजें हैं, इसको कहते हैं कूटते हैं। लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते, लेकिन इसलिए क्या चाहिए, कर्मों की गति का ज्ञान कहाँ मिलेगा, ब्रह्म कुमारी इसमें आकर के आपको ये ज्ञान मिलेगा। आप तो कहेंगे वह मेरे श्रेष्ठ कर्म, कि परमात्मा ने मुझे ये ज्ञान दिया जिस कारण से मेरे कर्म जो रहे हैं वो श्रेष्ठ होते जा रहे हैं, मुझे दिव्य बुद्धि दी जिस कारण से मेरे कर्म श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। तो
ये दो चीजें हो सकती हैं, तीसरी चीज नहीं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ब्रह्म कुमारी सेंटर आए और इस ज्ञान को ले। ओम शांति इसके साथ।